कितने ऐसे पुरोधा माँ मीरा को भी याद करते हैं भक्ति के लिए, जो भगवान कृष्ण के हृदय में साक्षात समाहित हो गई। उनकी कोई कहीं पर समाधि नहीं है। किसी ने ये नहीं कहा कि मीरा जी को यहाँ पर दफनाया कि संस्कार किया कि यहाँ इस जगह देखा था। मीरा जी भक्ति करती करती स्वयं कृष्ण में समाहित हो गई। तो बंधु, ये समय हमें सामाजिक लड़ाई न लड़ते हुए सर्व समाज को संगठित करके, और जहाँ राष्ट्र की बात आए, राष्ट्रहित की बात आवे, तो सबको सामूहिक रूप से काम करना है। जिस प्रकार से हमारे पुलिसकर्मी, हमारे फौज में सैनिक, वहां कोई जात पात का कोई झंझट नहीं, बस राष्ट्र के हित के लिए, इस धरती को बचाने के लिए निरंतर इस भारत भूमि की रक्षा के लिए काम करते हैं, वैसा ही भाव हम सबको भी यहाँ के सैनिक बनकर करना है। और ऐसे पुरुषों की कथा और उनकी चर्चा इस समय की आवश्यकता है, नई पीढ़ी को सुनाने के, समझाने के, उन लोगों को स्मरण करने से, हल्दी घाटी की माटी माथे पे लगाने से हम लोगों को सारा चित्रण हो जाता है, और हम भी अपने आप को ऐसे अपने आप में आनंदित हो जाते हैं, गर्वित हो जाते हैं कि हम ऐसी भूमि के ऐसे हमारे पुरोधा थे जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। घास की रोटी खाना मंजूर था, लेकिन समर्पित। उम्मीद करता हूँ कि अगली बार हम चित्र के रूप में, चित्र के साथ महाराणा प्रताप की कथा भी पुस्तक के रूप में हम सब लोग यह वितरण करेंगे, ताकि नई पीढ़ी उन कथाओं को पढ़े। अभी उससे पूर्व सीआई साहब ने बहुत सही बात कही, मैं कई बार कई मंचों पर यह पीड़ा रखता हूँ कि फिल्मों में हमारा चित्रण किस प्रकार से कर दिया, हमारी भारत की किस प्रकार से उन्होंने चित्रण किया, भारत के लोग कैसे थे, उन्होंने ठाकुरों को, जागीरदारों को अत्याचारी बता दिया, ब्राह्मण पुरोहितों को बलात्कारी बता दिया, किस प्रकार से चित्रण किया, अगर यही सब था तो फिर ये राजा महाराजा वीर शिरोमणि जिन्होंने सब कुछ न्योछावर करके समर्पित करके इस राष्ट्र को बचाने के लिए काम किया, तो फिर ये कौन थे महाराज। यहाँ पर कुछ ऐसे भांड हैं फिल्म बनाने वाले, उनमें काम करने वाले, जो मुगल और ईसाई सोसाइटी के हैं, वो लोग यही चाहते हैं कि हमें आपस में बैर बना रहे और इस प्रकार का चित्रण करके हमारी छवि खराब की जावे। अन्यथा हम लोगों के जो क्रोधाओं को स्मरण करते हुए ही, हम लोगों को उनकी वीर गाथाओं को याद करते हुए ही भीतर में जोश उत्पन्न हो जाता है। आज समय अनुकूल है, ये माने आज परिस्थिति अनुकूल है कि सब में जन जागरण है और सब में इतिहास की चर्चाओं की, इस समय कथाओं की चर्चा है, तो इसलिए इसको आगे लेते हुए हम लोग इस पर काम करें, यही संकल्प आज हम सबको लेना है। और अगले वर्ष जब आयोजन होगा तो हम बहुत विराट रूप में इस आयोजन को करेंगे, भले इसको 7 दिन का पखवाड़ा मनाना पड़े, और 7 दिन के पखवाड़े में भिन्न भिन्न स्थानों पर सभी सब समाज की समितियों को जोड़कर एक भव्य आयोजन ये किया जावे, और हमारे वीर शिरोमणि जितने भी जो हुए उनकी कथाएं पुस्तक के रूप में यहाँ बुलाकर हम सबको वितरण किया जावे, ताकि घर घर में हर एक बालक बालिका से वो किताब जावे, और वो किताब के माध्यम से जो आजकल हमारे पाठ्यक्रम में हटा दिया गया है, उन चर्चाओं को, उन पाठ्यक्रम में हटा दिया कोई बात नहीं, हम लोग सोशल मीडिया से लेके पुस्तक के माध्यम से हम उन कथाओं को छपाएंगे, और हमारे जो क्रोधा है वो घर घर तक, बच्चों तक पहुंचाएंगे, ऐसा हम लोग अगले वर्ष काम करेंगे। मैं बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ यहाँ विराजमान सभी अतिथिगण, सम्माननीय महाराज श्री कृष्णदास जी महाराज, हमारे जाट महासभा राजस्थान के अध्यक्ष राजाराम मीर साहब, सदैव सबके सहयोग से ये कार्य होता है। इस बार बहुत अच्छा आयोजन सर्व समाज को जोड़कर किया, अगले बार और भव्य रूप में किया जाएगा। सबको साधुवाद, शुभकामनाएं।